हेलो एवरीवन टुडे इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई क्लियर देखिए ये जो चैप्टर है आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई का दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन ये जो है हमारा किस पे बेस्ड है थ्योरी ऑफ़ डिमांड पे बेस्ड है अगर आपको वो वाला जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड अगर वो आ गया तो ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा क्लियर है ये बात चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ सप्लाई को तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स बेसिकली आएंगे तो थ्योरी ऑफ चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम लोग देखने को हमें मिलती हैं तो वो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट देन है इसका शेड्यूल देन है इसका कर्व एंड स्लोप देन है इसका डिटर्मिनेंट लॉ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई दे चेंज इन सप्लाई एंड लास्ट है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीनिंग एंड मेजरमेंट ठीक है तो थ्योरी ऑफ डिमांड और प्राइस ऑफ डिमांड थे वो दोनों सेपरेट चैप्टर थे बट थ्योरी ऑफ सप्लाई में बेसिकली दो चैप्टर्स को मर्च किया गया है कौन से हैं वो दो चैप्टर एक तो आपका वही सेम थ्योरी ऑफ सप्लाई है प्लस में इसके साथ एक और टॉपिक को एड कर दिया गया है दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट की ओर तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या इसकी डेफिनेशन तो जब भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं तो सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली क्या है दैट सप्लाई ऑफ ए कॉम्योडिटी रेफर्स टू द वेरियस क्वान्टिटीज ऑफ ए कॉम्योडिटी दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइज ऑफ द कॉम्योडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सप्लाई की और मैं वहीं पे बात कर रही थी इससे पहले वाले चैप्टर में थ्योरी ऑफ डिमांड की ठीक है तो डिमांड में हमने क्या पढ़ा था डिमांड में हमने पढ़ा था द ऑफ़ ए क्वान्टिटीजिटी दैट द कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ टाइम सेम ही डेफिनेशन को यहाँ पे आपको यूज कर देना है बस आपको सिंपल सी बात है सिर्फ दो चेंजेस आपको करने हैं तो वो दो चेंजेस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ तो सप्लाई ऑफ ए कॉमोडिटी रेफर्स टू द वेरियस क्वानिटी कॉमोडिटी दैट द तो दक आपको यानी कि यहां से लेकर के अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सप्लाई से लेकर के यहाँ पे दा तक आपको सेम रखना है प्रोड्यूसर कंज्यूमर की जगह पे यहां पे आपको प्रोड्यूसर कर देना है विलिंग टू सेम रखना है बाय की जगह पे यहां पे सेल कर देना है बाकी सारा सेम रहेगा ठीक है इसका मतलब क्या है बेसिकली कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो सेम डेफिनेशन आएगी डिमांड की बस यहाँ पे प्रोड्यूसर की जगह पे कंज्यूमर की जगह पे प्रोड्यूसर कर देना है और विलिंग टू बाय की जगह पे विलिंग टू सेल कर देना है बाकी डेफिनेशन डिमांड की और सप्लाई की क्या रहेगी सेम रहेगी क्लियर है बात तो सप्लाई क्या है द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कॉम्योडिटी जो कि प्रोड्यूसर विलिंग है वो बेचना चाहता है अलग अलग डिफरेंट प्राइजेस पर ऑफ ए कॉम्योडिटी अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर ठीक है तो इसको इस कॉन्सेप्ट इस को हम लोग क्या बोलेंगे सप्लाई बोलेंगे तो चलते हैं हम लोग डिफरेंस uh, की और बिटवीन द सप्लाई एंड स्टॉक तो देखिए बच्चे सप्लाई और स्टॉक में क्या फर्क है तो देखिए स्टॉक का मतलब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा स्पेशली जो बच्चे कॉमर्स के हैं उनको तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि स्टॉक का मतलब है क्या तो स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री के भी नाम से जानते हैं तो स्टॉक का मतलब क्या होता है जो भी बुक्स या फिर कह सकते हैं बुक्स की शॉप है फॉर एग्जाम्पल तो अगर बुक्स की शॉप पे जो भी शॉपकीपर है जो आपका बुक तो कीपर है तो वो हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ बुक्स एक्स्ट्रा ही रखता है कोई ना कोई क्वांटिटीज को वो एक्स्ट्रा ही रखता है बुक्स की ताकि वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर नीड्स को या फ्यूचर नीड्स को मीट कर पाए या फिर फ्यूचर में कह सकते हैं बेच पाए ठीक है तो अगर अगर फॉर आप भी अगर एक दुकानदार हो तो ऐसा नहीं होता कि आप लोग सिर्फ एक एक ही प्रोडक्ट का एक ही पीस रखेंगे नो no. आप एक ही प्रोडक्ट का बहुत सारे पीसेस रखते हैं क्योंकि आपको पता है क्योंकि डिमांड जैसे ही आएगी तो लोग खरीदने आएंगे तो वापस कोई ना जाए इस वजह

ताकि जो आपका स्टॉक है वो 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 क्वांटिटी क्वांटिटी है है जो जो कि कि एक्चुअल में उस की अवेलेबल रखता है ताकि वो फ्यूचर और प्रेजेंट की को क्या कर पाए स्टॉक जा एक फ्लो का कॉन्सेप्ट नहीं है सप्लाई प्राइस पे डिपेंड करता है लेकिन जो स्टॉक है वो डिमांड पे डिपेंड करता है तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन द सप्लाई एंड स्टॉक तो यहाँ पे हमने फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो सप्लाई की यहाँ पे पहले तो डेफिनेशन बता देनी है उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट बता देना है कि ये एक सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है ये फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है ये प्राइस पे डिपेंड करता है और ये डिमांड पे डिपेंड करता है और स्टॉक को इन्वेंट्री के नाम से भी जाना जाता है तो हम लोग तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई की डेफिनेशन पे तो यहाँ पे देख लेते हैं तो सप्लाई की जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे बेसिकली तो यहाँ पे अगर हम लोग सप्लाई की डेफिनेशन देखिए बच्चे मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी अब मैं आपको बताती हूँ क्वांटिटी सप्लाई की देखिए जैसे हमने डिमांड वाले चैप्टर में डिमांड और वो क्वांटिटी डिमांड पढ़ा था सेम इसी तरीके से यहाँ पे सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई है तो मैंने जैसे कि डिमांड वाले चैप्टर में भी आपको बताया था कि सप्लाई uh, के अंदर आप लोग क्या लेते हो वेरियस क्वांटिटीज लेते हो और डिफरेंट प्राइजेस लेते हो लेकिन क्वांटिटी डिमांड के अंदर आप स्पेसिफिक क्वांटिटी और स्पेसिफिक प्राइस लेते हो सेम इसी तरीके से सप्लाई वाले में भी क्या होगा बेसिकली सप्लाई वाले और क्वांटिटी सप्लाई में भी बेसिकली यही फ़र्क है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई में स्पेसिफिक क्वांटिटी आपने ली और स्पेसिफिक प्राइस लिया ऑल्दो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेरियस क्वांटिटी ली और यहाँ पे आपने डिफरेंट प्राइजेस लिया ठीक है इसका मतलब क्या है सप्लाई तो वेरियस क्वांटिटीज को लेता है वेरियस प्राइजेस पर बेचने के लिए लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में स्पेसिफिक प्राइस को लेता है प्रोड्यूसर यानी कि स्पेसिफिक क्वांटिटीज विच ए प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज तो यानी कि स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक प्राइस क्वांटिटी सप्लाई होगा और अगर डिफरेंट पॉसिबल प्राइजिस पर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज अगर प्रोड्यूसर विलिंग है बेचने के लिए तो वो सप्लाई कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट आ जाता है हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में सप्लाई के शेड्यूल के बारे में हम तो लोग पढ़ लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सप्लाई शेड्यूल सप्लाई शेड्यूल का मतलब क्या है देखिए मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई है कि टेबल शेड्यूल जहां पे भी आ जाए तो वो एक टेबल होती है तो सप्लाई uh, जो शेड्यूल है दैट इज टेबल जो कि एक्चुअल में शो करती है वेरियस क्वांटिटीज को जो कि ऑफर की जाती है बेचने के लिए बाय द प्रोड्यूसर एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस तो सप्लाई शेड्यूल बेसिकली एक टेबल बताती है जिसके अंदर वेरियस कॉमोडिटीज होती है वेरियस प्राइजेस होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पर जो different, different जो क्वांटिटीज़ कि प्रोड्यूसर बेचना चाहता है, विलिंग है वो पर, बेचने के लिए तो ऐसी टेबल को हम क्या बोलते है? बोलते हैं? हैं। सप्लाई शेड्यूल तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके दो टाइप्स हैं। एक है, आपका एक है आपका तो इंडिविजुअल लेता है किसका इंडिविजुअल फॉर्म या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का

एक्चुअल uh, में कंसिडर करता है जो कि एक विलिंग है बेचने के लिए एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ ए कॉमोडिटीज तो हम लोग उसको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं तो चलिए देख लेते हैं इसकी टेबल तो चलिए देख लेते हैं इसकी टेबल तो यहाँ पे जब हम लोग टेबल की बात करेंगे बेसिकली यहाँ पे प्राइस और सप्लाई आया है एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है होती है इसका मतलब प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है क्योंकि प्राइस और डिमांड में तो मैंने आपको बताया था कि दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई डिमांड लेकिन अगर मैं प्राइस और सप्लाई की बात करूं तो देयर इज अ डायरेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई के बीच में अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी अगर प्राइस घट रहा है तो सप्लाई भी घट जाएगी तो यहां पे देखिए फाइव से टेन हुआ टेन से फिफ्टीन हुआ फिफ्टीन से ट्वेंटी हुआ तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं क्वांटिटी भी देख लेते हैं जीरो से टेन हुई टेन से ट्वेंटी हुई ट्वेंटी से थर्टी हुई तो यानी कि यहाँ पे भी प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो सप्लाई भी बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर ये चाहता है कि मेरा जो माल है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बिके अगर ज़्यादा प्राइस में बिकेगा तभी वो ज़्यादा सप्लाई करना करना एक तरीके से विलिंग होगा सप्लाई ज़्यादा करने में ठीक है अच्छा हम लोग अब पढ़ लेते हैं किसको मार्केट सप्लाई के शेड्यूल को तो मार्केट सप्लाई जो शेड्यूल है वो बेसिकली वो आपको क्या बताता है देखिए जैसे मैंने इंडिविजुअल में सिर्फ एक फॉर्म ली थी राइट right? लेकिन मार्केट में मैं क्या लूंगी सारी की सारी फर्म्स लूंगी ठीक है इससे पहले कि मैं आपको एक टॉपिक बताऊं इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि जो समेशन होता है फर्म्स का उसको हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं क्या बोलते हैं इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है द समेशन ऑफ द फर्म्स या फिर कह सकते हैं द टोटल ऑफ द फर्म्स प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर कॉमोडिटी उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडस्ट्री इंडस्ट्री तभी होगी जब सारी की सारी फर्म एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही है अगर फॉर एग्जाम्पल एक कोई बुक बना रही है तो कोई फ़ोन बना रही है कोई uh, कोई फॉर uh, एग्ज़ाम्पल कुछ और कोई भी एक्स वाई जी चीज़ बना रही है तो ऐसे केस में उनको हम लोग इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे इंडस्ट्री तभी बोलेंगे जब एक ही uh, एक ही आइटम्स की या फिर कह सकते हैं एक ही कॉमोडिटी की बहुत सारी कंपनीज होंगी लाइक अगर मैं बात करूँ uh, फ़ोन्स की तो फ़ोन्स की पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री है लेकिन फ़ोन की इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनी आती हैं जैसे कि वन प्लस जैसे कि रेडमी जैसे कि Realme, जैसे कि iPhone, जैसे कि सैमसंग सोनी जितने भी आप लोग ब्रांड ले सकते हैं तो यानी कि जो आपकी फ़ोन्स हैं वो आपकी क्या है फोन्स uh, की जो है वो एक इंडस्ट्री है ऑल दो जितनी भी अलग अलग चीज़ें उसमें आ रही हैं जितनी भी अलग अलग फॉर्म्स उसमें आ रही हैं जो रियल मी रेडमी मैंने बताया वन प्लस आईफोन माइक्रोमैक्स तो जितनी भी ये जो कंपनीज आ रही हैं जो फॉर्म्स इसके अंदर आ रही हैं उनको हम लोग फॉर्म बोलते हैं और इन्हीं सारी फॉर्म्स को जो कि एक्चुअल में मेन क्या सप्लाई कर रही हैं क्या प्रोडक्ट सप्लाई कर रही हैं फोन्स को सप्लाई कर रही हैं तो यानी कि जितनी भी कंपनी है फोन की अगर वो फ़ोन को सप्लाई कर रही हैं तो उन सभी कंपनीज का टोटल या फर्म्स का टोटल को बोलते हैं हम लोग क्या इंडस्ट्री ठीक है तो यानी कि जब हम लोग मार्केट की सप्लाई शेड्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सप्लाई शेड्यूल ले लेते हैं किसका ऑल द फर्म्स का ठीक है क्लियर हो गई ये बात तो यानी कि यहाँ पे आप सप्लाई शेड्यूल लोगे ऑल द फर्म्स का जो कि एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रही है ए पर्टिकुलर कॉमोडिटी तीके? और रही बात इंडस्ट्री की तो इंडस्ट्री एज ए होल यहाँ पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा तो जैसे कि हमने इंडिविजुअल सप्लाई के ऊपर एक टेबल बनी टेबल पड़ी है सेम उसी तरीके से अब लोग लोग हम लो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में मार्केट सप्लाई शेड्यूल के बारे में तो यहाँ पे हम प्राइस तो लेंगे ही लेकिन क्योंकि हमारी भी अपनी एक लिमिटेशन है अब बहुत सारी फर्म्स का तो डेटा नहीं प्लॉट कर सकते हैं ना यहाँ पर क्योंकि कुछ तो लिमिटेशन है ही तो हम लोग क्या करते हैं अपने कंसाइज करने के लिए थोड़ा सा तो हम लोग सिर्फ दो ही फर्म्स ले ले

जो भी आप यहाँ पे लेंगे ना गैप जो लेंगे वो सेम लीजिएगा ठीक है और दूसरी चीज हमेशा इंक्रीज कराइएगा सप्लाई को ठीक है क्योंकि इंक्रीज का मतलब क्यों मैं बोल रही हूँ क्योंकि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो दोनों की ही सप्लाई बढ़नी चाहिए ठीक है अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मार्केट डिमांड की सॉरी मार्केट सप्लाई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मार्केट सप्लाई क्या होगा समेशन ऑफ द फर्म ए फर्म बी तो यानी कि जीरो अगर मैं जीरो प्लस में जीरो कर दूं तो ये जीरो आंसर आएगा टेन प्लस फाइव कर दूं तो ये फिफ्टीन आंसर आएगा ट्वेंटी के अंदर टेन uh, जोड़ दूं तो थर्टी एंड थर्टी में फिफ्टीन जोड़ दूं तो फोर्टी फाइव तो इस तरीके से मार्केट डिमांड मार्केट जो सप्लाई है उसका हम लोग टेबल को क्या करेंगे यहां पर हम लोग ड्रॉ करेंगे ठीक है ठीक है तो अगर किसी का भी जो डायग्राम है अगर वो इधर जा रहा है यानी कि माइनस मतलब डाउनफॉल जा रहा है डाउनवर्ड है तो यानी कि रिलेशनशिप माइनस है लेकिन अगर मैं बोलूं कि किसी भी चीज का अगर डायग्राम अगर आप बना रहे हो और उसका डायग्राम आपका कैसा बन रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब जिन दो के बीच में आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हो तो उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्लियर हो गया पॉजिटिव रिलेशनशिप है ठीक है तो ये हो गया आपका क्या इंडिविजुअल सप्लाई का कर्व यहाँ पे क्योंकि इंडिविजुअल सप्लाई का कर्व था तो हमने यहाँ पे जो कर्व लिया था ये जो ग्राफिकल हमने प्रेजेंटेशन दिखाई है वो सिर्फ अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल फॉर्म दिखाई है अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं किसके बीच में मार्केट सप्लाई कर्व के में जो भी रिलेशनशिप है उसको हम लोग कंसिडर तो चलिए मार्केट सप्लाई कर्व के कर्व uh, में अगर हम लोग देखें तो शेड्यूल में भी हमने फॉर्म ए लिया था फॉर्म बी लिया था और मार्केट लिया था तो मार्केट में हमने क्या किया था बेसिकली हमने ए और बी लिया था और मार्केट सप्लाई कैसे निकाली थी ए और ए और बी का प्लस करके निकाली थी है ना तो मार्केट सप्लाई जब भी हम लोग बात करते हैं अगेन जहां पे भी कर्व आ गया तो या तो वो डायग्रामेटिक है या ग्राफिकल है हम लोग ग्राफ बना रहे हैं तो हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यहाँ पे बोलेंगे दूसरी बात ये कि यहाँ पे हम लोग जो सप्लाई कर्व बना रहे हैं वो इंडस्ट्री एज ए होल का बना रहे हैं विच इज द जो कि बेसिकली क्या होगा विच इज द दॉरीजोंटल समेशन ऑफ द सप्लाई कर्व जो कि क्या होता है हॉरिजोनटल समेशन समेशन का मतलब क्या है प्लस फॉर्म ए प्लस फॉर्म बी का जो सप्लाई का होगा जो भी नंबर्स होंगे जो भी आपने न्यूमेरिकल्स वैल्यू ली हैं तो उनका टोटल होगा ये ठीक है और रही बात इसकी तो एक बात और की आपको जैसे कि मैंने बताया भी था कि प्राइस और सप्लाई में जो रिलेशनशिप है वो कौन सी रहेगी पॉजिटिव रहेगी क्लियर है ये बात तो अब देखिए पहले आप फॉर्म ए का बना लीजिए फॉर्म बी का बना लीजिए फिर मार्केट सप्लाई का बना लीजिए ठीक है फॉर्म ए का जो डेटा है वो आपको इंडिविजुअल सॉरी फर्म ए का जो डेटा है वो मार्केट सप्लाई शेड्यूल के फॉर्म ए से मिल जाएगा फर्म बी का जो डेटा है वो फॉर्म बी के सप्लाई शेड्यूल से मिल जाएगा और जो मार्केट सप्लाई का जो कर्व का जो डेटा है कि आप कैसे आपको डायग्राम बनाना है वो आपको मिल जाएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल से ठीक है याद रखिएगा पी पे हमेशा uh, जो है पी जो है हमेशा वाई एक्सेस पर ड्रॉ होता है और क्यू जो है वो हमेशा एक्स एक्सएक्सेस पर ही ड्रॉ होता है ठीक है तो मार्केट सप्लाई जो कर्व है वो एक हॉरिजॉन्टल समेशन है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का यानी कि इंडिविजुअल अगर मैं सप्लाई कर्व का कर देखूं तो फॉर्म ए का जो सप्लाई कर्व होगा प्लस फॉर्म बी का जो सप्लाई कर्व होगा तो दोनों के सप्लाई कर्व का कर, अगर मैं हॉरिजॉन्टल समेशन कर दूं तो वो किसका सप्लाई कर्व बन जाएगा मार्केट डिमांड का ठीक है मार्केट डिमांड का सप्लाई कर्व बन जाएगा ठीक है तो देखिए अब आगे तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं अबाउट द स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व की जो स्लोप होता है सप्लाई uh, कर्व का वो कैसे होता है अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो सप्लाई का जो कर्व होता है ना वो स्लोप्स होता है अपवर्ड ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप प्राइस शो करते हो है ना यहाँ पे आप क्वांटिटी शो करते हो तो एक तरीके से जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है ना तो क्वांटिटी भी आपकी क्या होती चली जा रही है इंक्रीज होती चली जा रही है है ना तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्वांटिटी सप्लाई के बीच में क्या है कौन सी रिलेशनशिप है आपकी पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा पहली बात तो अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस फॉर ए कॉमोडिटी के बीच में और किसके बीच में uh, जो आपकी क्वांटिटी है क्वांटिटी सप्लाई के बीच में ठीक है और दूसरी बात जो स्लोप है वो रेशो है किसके बीच का रेशो है प्राइस ओवर में क्वांटिटी सप्लाइड का यानी कि कह सकते हैं चेंज इन पी बाय चेंज इन क्यों ठीक है और रही बात ये कि जब हमने स्लोप ऑफ डिमांड बताया था तब तो मैंने यहां पे साइन माइनस करवाया था लेकिन यहां पे तो मैं माइनस नहीं करवा रही तो रीजन बीइंग क्या है माइनस का साइन स्लोप ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा रीजन क्या है क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है तो पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है साइन भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा तो चेंज इन पी बाय चेंज इन क्यू आप करेंगे क्लियर है ये बात चलिए तो यहां पे हम आगे पढ़ लेते हैं अबाउट द स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व अगेन वही बात मैं रिपीट कर रही हूं किस जो है वो वाई एक्सिस पे आप शो करेंगे क्यू एक्स को आप एक्स एक्सिस पे शो करेंगे जो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व का जो फॉर्मूला होता है दैट इज चेंज इन पी बाय चेंज इन क्यू यही फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको बताया भी था यहां पर ठीक है अब यहाँ पे अगर हम लोग देखे ध्यान से ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है ये देखिए है ना तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेटा ये यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ठीक है ये पी एक्स है और ये आपका डायग्राम है तो लेट अस सपोज एक हमने ये पॉइंट ले लिया ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये इस तरीके से डायग्राम बना दिया ठीक है ये हमारा डायग्राम है ठीक है यहाँ पे आप P को शो करोगे यहाँ पे आप किसको शो करोगे Q को शो करोगे है ना लेट अस सपोज कि हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर ठीक है और एक हमने यहाँ पे इधर पॉइंट ले लिया ठीक है ये हमने दो पॉइंट ले लिया फॉर एग्जाम्पल तो अगर इन दोनों के बीच का अगर मैं गैप देखूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा है ना अगर यहाँ पे मैं प्राइस शो कर रही हूँ ऐसे प्राइस है तो यहाँ पे भी प्राइस शो करूंगी और अगर ऐसे मैं क्वांटिटी शो कर रही हूँ ये देखिए नीचे क्वांटिटी है तो यहाँ पे भी क्या शो करूंगी क्वांटिटी तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे प्राइस शो कर रहे हो तो यहाँ पे भी प्राइस शो करोगे और अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी शो कर रहे हो तो आप यहाँ पे भी क्वांटिटी शो करोगे क्लियर है ये बात अगर वर्टिकल आप आ, वर्टिकल देखा जाए अगर ये प्राइस है तो ये भी प्राइस होगा हॉरिजॉन्टली अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा क्लियर है ये बात अच्छी तरीके से आपको ठीक है तो आगे चलते हैं ठीक है आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ठीक है तो इस तरीके से ही डायग्राम बनता है तो अगर मैं बोल रही हूं कि जो स्लोप है मैं बोल रही हूं जो स्लोप है आपका वो चेंज इन पी बाय चेंज इन क्यू है तो ये आपका चेंज इन बी है तो यानी कि ए और बी यानी कि चेंज इन बी को हम चेंज इन पी को हम लोग ए भी बोल सकते हैं और अगर ये चेंज इन क्यू है तो सी और बी यानी कि uh, सी या बी बोल सकते हैं या बी या सी बोल सकते हैं तो इस तरीके से आपका ये क्या बन जाएगा स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व तो स्लोप ऑफ uh, जो सप्लाई कर्व है वो या तो आप कह सकते हैं कि एक रेट है या फिर कह सकते हैं कि एक रेशो है जिसके अंदर विच द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी चेंजेस करस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई क्लियर है ये बात अच्छी तरीके से आपको तो ये रेशो है और ये रेशो जो है वो कांस्टेंट है क्या है कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट की रीजन की वजह से ये जो सप्लाई का, का जो कर्व बनता है बेसिकली वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है क्लियर हो गया ये बात आपको तो जब भी आप देखेंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की भी अगर मैं बात करूं तो वो भी स्लोप जो था उसका अगर कांस्टेंट रहता था तो वो स्ट्रेट लाइन बनता था ठीक है और इवन माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी डायग्राम आप उठा के देख लीजिए कोई भी उठा करके अगर आप देखेंगे तो सिंपल सी बात यही है इतनी छोटी सी कि अगर किसी भी चीज अगर किसी की भी शेप अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो गारंटेड उसका जो स्लॉप होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा चाहे आप कोई भी पॉइंट उठा करके देख लीजिए चाहे आप यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए यहाँ से यहां तक देख लीजिए यहां से यहां तक देख लीजिए चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो या ऐसे करो आपका जो आंसर आएगा चेंज इन पी बाय चेंज इन क्यू का वो हमेशा क्या आएगा सेम लेटेस्ट टू लेटे से टू आ रहा है तो हर जगह पे क्या आएगा टू ही आएगा क्लियर है बात तो स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन का तो जो स्लोप है आपका स्ट्रेट लाइन का वो क्या बनेगा वो स्ट्रेट इसलिए बनेगा क्योंकि कर्व आपका क्या है जो स्लोप आपका क्या है वो क्या है कॉन्स्टेंट है क्या है कॉन्स्टेंट है क्लियर है ये बात आपको तो चलिए हम लोग हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं दैट इज सप्लाई फंक्शन देखिए सप्लाई अगर फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या है दैट इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट सेम डेफिनेशन है जो कि हमने डिमांड में पढ़ी थी कि डिमांड फंक्शन इज ऑल्सो द फंक्शनल और वी कैन से अल्जैब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स अगर मैं सप्लाई फंक्शन की बात कर रही हूँ तो सप्लाई का वेरियस डिटर्मिनेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको कौन बताता है सप्लाई फंक्शन तो चलिए देख लेते हैं इसके वेरियस uh, डिटर्मिनेंट्स के बारे में तो यानी कि यहाँ पे एस एक्स लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है एस एक्स का मतलब क्या है सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी एक्स अब यहाँ पे अलग अलग आपको दे रखें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ठीक है यहाँ पे पी एक्स है पी आर है एन है एन एफ है जी है पी एफ है टी है ई एक्स है और जी पी है तो ये सारे क्या हैं डिटर्मिनेंट्स तो चलते हैं इन डिटर्मिनेंट्स को पढ़ लेते हैं ठीक है और देख लेते हैं कि इन सबको बोलते क्या क्या हैं बेसिकली तो सबसे पहले आ जाता है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एक्स यानी कि जिसको हम लोग ओन प्राइस भी बोल सकते हैं ठीक है ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एक्स को ही पी एक्स से डिनोट किया जाता है ठीक है अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे अगर हम लोग देखें बेसिकली तो ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी के अंदर क्या है बेसिकली ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि प्राइस और सप्लाई में जो रिलेशनशिप है वो क्या है पॉजिटिव अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी अगर प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घट जाएगी तो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख के आएंगे दैट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी अगर प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घट जाएगी क्लियर है ये बात तो चलते हैं ठीक है तो ये हमारा आ जाता है नेक्स्ट ठीक है तो नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाता है पी आर पी आर को कैसे लिखते हैं बेटा पी आर पी थोड़ा सा आर करके ऐसे ठीक है अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं मुझे अलग से बताने की भी जरूरत नहीं है पहले ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि जो रिलेटेड गुड्स होते हैं दीज कैन बी ऑफ टू टाइम्स टू टाइप्स वन इज योर सब्सटीट्यूट एंड अदर वन इज योर कॉम्प्लीमेंट्री तो यहाँ पे अगर हम लोग सप्लाई के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे रिलेटेड गुड्स को अगर मैं सब्सिट्यूट कंसिडर करते हूँ करती हूँ तो देख लेते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी दे रखा है कि कंसीडर करो कि एक फर्म है जो कि सेल कर रही है टी क्या बेच रही है वो टी बेच रही है तो अगर उसको लग रहा है कि जो प्राइस है कॉफी का अगर वो बढ़ रहा है मार्केट में तो फर्म सप्लाई जो टी बेचना वो क्या कर देगी वो विलिंग होगी कि वो कम से कम टी बेचे देखो सीधी सी बात है अगर आप एक सेलर हो अगर आप एक सेलर हो तो आप सेलर के हिसाब से देखो कोई चीज एक होता है कि आप मार्केट में कोई चीज 10 रुपए की बेच रहे हो कोई चीज़ आप मार्केट में बीस रुपए की बेच रहे हो तो बताओ आपका फायदा किस में है दस रुपए की चीज बेचने में या बीस रुपए की क्योंकि अगर दस रुपए की कोई चीज बेची तो कमाई सिर्फ दस रुपए होगी लेकिन अगर बीस रुपए की कोई चीज बेच रहे हो यानी कि ज्यादा प्राइस पे अगर चीज बेच रहे हो तो कमाई ज्यादा होगी यानी कि इनकम ज्यादा होगी आपकी है ना तो इसका मतलब क्या है अब मैं क्या बेचू फॉर एग्जाम्पल टी का जो आप एक छोटा सा कप होता है वो तो दस रुपए का बेच रहे हो और कॉफी का जो एक कप होता है फॉर एग्जांपल वो आप बीस रुपए का बेच रहे हो तो बताओ आप बेचना क्या पसंद करोगे बीस रुपए का कप या दस रुपए की टी Obviously, बात है अगर आप चाहते हो कि ज्यादा कमाई हो तो यानी कि आप बीस रुपए वाली चीज बेचोगे कॉफी बेचोगे इसका मतलब क्या है कि अगर related goods की, अगर रिलेटेड गुड्स की मैं बात करूं तो यानी कि जो भी कॉमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा तो सेलर सोचेगा कि मैं उसी कॉमोडिटी को बेचना स्टार्ट करूं ठीक है नेक्स्ट आ जाता है हमारा नंबर ऑफ फर्म्स ठीक है अब आप देखिए एक मैं बोलूं कि मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी जैसे फोन्स की बात मैंने अभी आपके आगे यहाँ पे करी ठीक है अब फोन्स की अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल फ़ोन की अगर एक ही कंपनी होती फॉर एग्जाम्पल की एल पॉलिसी इंडिया में आई ही ना होती ठीक है 1991 वाली जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जिसमें लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आया था तो अगर वो आई ना होती तो आपको क्या लगता है कि इतनी सॉरी कंपनी में एंटर कर पाती क्या रियलमी एंटर कर पाती क्या रेडमी एंटर कर पाती क्या प्लस एंटर कर पाती या एंटर कर पाती कोई भी कंपनी फोन्स की एंटर नहीं कर पाती तो गिना चुना हमारे पास सिर्फ एक ही बचता दैट इज कौन सा फोन माइक्रो मैक्स ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही बचता जो कि हमारे यहाँ का ही है दैट इज माइक्रोमैक्स जो कि जल्दी से किसी को पसंद नहीं आता ठीक है अब यहां पे देखिए अगर मैं बोलूँ कि अगर हमारे यहाँ पे खाली माइक्रोमैक्स की कंपनी होती ठीक है तो आप मुझे बताइए कि अगर एक ही कंपनी है तो क्या सप्लाई इतने ज्यादा हो पाती फोन की नहीं हो पाती ये बात आपको भी पता है ठीक है यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कूल की ही बात करूं तो स्कूल में इतने सारे टीचर्स क्यों होते हैं क्योंकि स्कूल में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स को भी ज्यादा रखना पड़ता है सेम इसी तरीके से हमार को बहुत अच्छे से पता है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है बहुत ज्यादा है इसलिए चाइना इसलिए यूएसए चाइना की बात करूं या यूएसए की बात करूं तो वो क्या कोशिश करते हैं कि चाइना और यूएसए वाले क्या कोशिश करते हैं कि क्योंकि उनको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए उन्होंने चाइना वालों ने फोन बना बना करके इंडिया में बेच दिए यूएसए वालों ने फोन बना बना के इंडिया में बेच दिए तो इसका मतलब क्या हो गया क्योंकि उनको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स आती चली जाएंगी उतना ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा होता चला जाएगा और जितनी आपके पास यहाँ पे कह सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ फर्म्स आपकी क्या होंगी ज्यादा अगर नंबर ऑफ फर्म्स आपकी ज्यादा होंगी कंपनी ज्यादा होंगी तो माल भी उतना बनेगा और उतना ही बिकेगा लेकिन अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर नंबर ऑफ फर्म्स आपकी कम है एक ही कंपनी है तो एक ही कंपनी कितना मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है तो एक एक कंपनी तो इतना ज्यादा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती ना तो जितनी नंबर ऑफ फर्म्स कम होंगी उतनी ही ज्यादा सप्लाई क्या होगी कम होगी तो नंबर ऑफ फर्म ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा कम तो ये भी कम ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग किसकी और गोल की ओर ठीक है गोल का मतलब क्या होता है गोल गोल का मतलब ऑब्जेक्टिव या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो गोल देखिए हर किसी को दो होता है ठीक है दो तरीके से गोल होते हैं कुछ कुछ लोग कहते हैं कि हमको सेल्स मैक्सिमाइज करनी है तो कुछ लोग कहते हैं हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ठीक है तो अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें सेल्स को मैक्सिमाइज करना है तो वो क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा गुड्स को बेचने की कोशिश करेंगे की अपनी क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे ठीक है सप्लाई करेंगे, करेंगे. चाहे प्राइस सेम ना लेकिन अगर आप, आप, तो आप सप्लाई सिर्फ तभी करोगे क्वांटिटीज को सप्लाई आप तभी करोगे जब उसके बदले में आपको प्राइस क्या मिल रहा होगा ज्यादा मिल रहा होगा ठीक है तो अगर आप चाहते हो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो ठीक है अगर आप क्या चाहते हो अगर आप ये चाहते हो कि प्रॉफिट क्या हो मैक्सिमाइज हो तो सामने वाला सप्लाई सिर्फ तभी बढ़ाएगा जब उसको लगेगा कि इसके बदले में मुझे प्राइस क्या मिल रहा है ज्यादा लेकिन अगर उसे लगा कि प्राइस हमें कम मिल रहा है उसके बदले में तो सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या कर देगा कम कर देगा क्लियर है ये बात ठीक है तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन कर जब आप जब भी आपको प्रोडक्शन करना होता है है ना तो जब भी आप प्रोडक्शन करते हो बेसिकली तो उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स हमारे यूज होते हैं है ना जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रन्य और बहुत सारी चीजें अलग अलग और हर किसी के अपने अपने फैक्टर्स होते हैं रॉ मटेरियल हो गया है ना तो यानी कि रॉ मटेरियल हो गया या बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने लगते हो तब आपको पता लगता है कि हाँ इसमें ये भी डलेगा ये भी डलेगा ये भी डलेगा ठीक है तो अगर बहुत सारी चीजें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पार्ले जी की इंडस्ट्री खोल लूँ पार्ले जी अगर मैं बिस्किट्स बना रही हूँ ठीक है या कोई भी अलग टाइप के बिस्किट्स बना रही हूँ तो उसके लिए बहुत सारी चीजें लगेंगी तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज होगा तो अब आपको क्या चेक करना है बींगे आप, आपको बींगे सेलर आपको देखना है कि आपको कॉस्ट कितने की पड़ेगी ठीक है अगर आपको उसका फैक्टर प्राइस कम लग रहा है तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी कम हो जाएगी तो आप सप्लाई क्या करोगे ज़्यादा करोगे यानी कि एक सेलर के हिसाब से देखो आप एक सेलर जब भी कभी कोई भी सामान खरीदेगा या बेचने की सोच रहा है या अपनी कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो वो ये देखेगा कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो चीजें हैं कि या तो मैं पेटीज को बना लू या तो बनी बनाई खरीद लूँ तो वो दोनों में कंपेयर करेगा अगर उसको पेटीज बनाना सस्ते में पड़ रहा है ठीक है अगर अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है यानी कि किसी भी चीज को बनाने की लागत क्या होती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने पेटीज बनाई आप फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स में सप्लाई करते हो पेटीज ठीक है तो अगर आपको पेटीज अगर आपने बनाई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रहा है यानी कि पेटीज जब आप बनाते हो तो आपको एक पेटीज को बनाने में तीन रुपए लगते हैं और उसी पेटीज को आप दस रुपए में मार्केट में बेचते हो तो आपको पता है कि अगर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ तीन रुपए एक पेटीज को बनाने में अगर खाली तीन रुपए आपके लग रहे हैं और दस रुपए की आप मार्केट में बेच रहे हो तो ऐसे केस में जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई क्या करोगे आप ज्यादा करोगे ठीक है लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि किसी भी चीज को अगर आप बना रहे हो तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है ज्यादा है यानी कि जब आप खुद से बना रहे हो तो आपको महंगा पड़ रहा है तो अगर आपको कोई चीज पहले ही महंगी बिक रही है तो आपको लगेगा कि नहीं अगर मैं महंगी अगर मुझे ही महंगी बिक्री है मतलब आपको लग रही है फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज बनाई आपको पेटीज अगर आपने बनाई तो आपको लग रहा है कि सात रुपए की वो बन रही है और दस रुपए दस रुपए की आप बाहर बेच रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि अगर अगर सात रुपए की बन रही है यानी कि इतनी महंगी बन रही है और आपको सिर्फ तीन रुपए का ही मार्जिन मिलेगा है ना यानी कि सात की चीज को अगर आप दस रुपए में मार्केट में बेच रहे हैं तो आपको कितने का मार्जिन मिला प्रॉफिट का तीन रुपए यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको अगर कोई चीज खुद को ही महंगी बिक रही है तो आप क्यों करोगे ऐसी चीज का सप्लाई नहीं करोगे ना तो इसका मतलब क्या है अगर तो अगर आपको ये लग रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अगर वो ज्यादा लग रहा है आपको ठीक है आपको क्या लग रहा है महंगा लग रहा है ठीक है तो आप सप्लाई क्या करोगे कम लगोगे अगर आपको लागत कम आ रही है यानी कि कम सस्ते में पड़ रहा है आपको पेटीज बनाना सिर्फ तीन रुपए में बन रहा है तो ऐसे पड़ रहा है तो यानी कि सप्लाई क्या करोगे ज्यादा इसका मतलब सीओपी यानी कि कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन और, और सप्लाई में रिलेशनशिप कैसी है ये देखिए साइंस से ही पता लग जाएगा इनवर्स ठीक है तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं uh, किसके बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या बोलती है दैट इट इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द टेक्निक इन द प्रोडक्शन रिड्यूज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हो अगर उसमें इम्प्रूवमेंट अगर आ गई तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आने की वजह से अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है क्या हो रही है मेन है रिडक्शन वाला पॉइंट ठीक है तो अगर वो आपकी रिड्यूस हो रही है ठीक है तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रही है रिड्यूज हो रही है तो आप सप्लाई भी क्या करोगे ज्यादा करोगे ठीक है वही वाली बात आ गई कि अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होने की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है तो आप सप्लाई क्या करोगे ज्यादा अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो ठीक है लेकिन अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है बैड टेक्नोलॉजी है ठीक है तो यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी ज्यादा और ज्यादा आएगी तो सप्लाई क्या कर दोगे कम कर दोगे ठीक है नेक्स्ट आ जाता है आपका लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट दैट इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ठीक है अगर आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं तो अगर आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं तो आप भी सप्लाई फ्यूचर में ही तो करना पसंद करोगे बींग ए सेलर बात कर रही हूं हमें एज ए कंज्यूमर नहीं देखना है हमें सेलर के ओर से देखना है क्योंकि सेलर के लिए तभी अच्छा है जब वो किसी भी चीज़ को ज्यादा महंगी में बेचे ठीक है और अगर यहां पे अगर मैं बात करूं कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस में अगर मैं बात करूं अगर आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं तो आप कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा माल को करंट में ही आप बेच दो तो, ठीक है क्लियर है ये बात तो अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होने वाले हैं तो आप फ्यूचर के लिए सेव कर लो स्टॉक बना लो और सप्लाई बाद में कर देना ठीक है जिसको हम लोग ब्लैक मार्केटिंग भी बोलते हैं एक तरीके से कई बार है ना तो अगर आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइजेस कम होने वाले हैं तो आप आज के जो करंट जो सप्लाई है उसको इंक्रीज कर दें ठीक है लास्ट आ जाता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर टैक्सेशन यानी कि टैक्सेस और सब्सिडीज की हम लोग बात करते हैं तो अगर मैं टैक्सेशन और सब्सिडीज की बात करूं तो इंक्रीज़ इन द टैक्सेशन हमेशा कॉस करता है किसको डिक्रीज इन द सप्लाई यानी कि अगर आपको टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं किसी भी कॉमोडिटी पर तो आप सप्लाई कम कर दोगे और अगर आपको टैक्सेस कम देने पड़ रहे हैं तो आप सप्लाई ज्यादा कर दोगे इसका मतलब रिलेशनशिप बताओ एरो देख करके रिवर्स है ना ये ऊपर है तो ये नीचे है ठीक है जो आपका एरोज है वो रिवर्स है इसका मतलब टैक्सेस और सप्लाई में कैसी रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप है ठीक है क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो सप्लाई कम करोगे टैक्सेस कम तो सप्लाई ज़्यादा करोगे यही अगर मैं बात करूँ किसकी सब्सिडीज की यही मैं बात करूं किसकी करूँ सब्सिडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सब्सिडीज़ में उल्टा होता है जब भी आपको ये लगता है कि सरकार आपको सब्सिडी दे रही है बहुत ज़्यादा ठीक है तो आप सप्लाई भी क्या कर दोगे ज्यादा लेकिन अगर वो आपको सब्सिडी दे रही है कम तो आप सप्लाई को भी क्या कर दोगे कम कर दोगे इसका मतलब क्या है सब्सिडी और सप्लाई में रिलेशनशिप है पॉजिटिव और सप्लाई में रिलेशनशिप है नेगेटिव ठीक है तो यहां पे हम अपने इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं कंप्लीट करते हैं आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी सो दिस इज रिगार्डिंग द चैप्टर थ्यूरी ऑफ डिमांड तो इस टॉपिक यहां पर हमने पढ़ा अब तक लॉ कहा तक पढ़ा है हमने बेसिकली हमने पढ़ा है इसको डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड तक डिमांड डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई तक थैंक यू